इन द थियरीज ऑफ जस्टिस, जब हम अंडरस्टैंड करते हैं लिबरल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन, तो इसमें हमें समझ में आता है कि थॉमस हॉब्स है, रूसो है या जॉन लॉक है, ये ऑथर जो है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की फिलॉसफी एडवोकेट करते हैं। तो वो फेज़ जिसमें सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्टिंग अप्रोचेस बहुत ज़्यादा तौर पे तैयार हो गए थे और उसमें इंडिविजुअल लिबर्टी, हाउ टू एडजस्ट विद द सोशल लिबर्टी और सिविल लिबर्टी, इसको जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें ये लिबरल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन, ये फिलॉसफी जो है ये फोर फ्रंट पे आती है। नाउ लिबरलिज्म का बेसिक मीनिंग क्या है? तो लिबरलिज्म एक ऐसी कंसेप्ट है जिसमें पॉलिटिकल एंड मॉरल फिलॉसफी को हम लर्न करते हैं और ये फिलॉसफी जो है कुछ प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, जो कि प्रिंसिपल है राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी, कंसेंट ऑफ द गवर्न, पॉलिटिकल इक्वालिटी, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं ऑफ द देन सोसाइटी जो उस प्रिंसिपल के बेसिस पे ये कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म जो है वो वहाँ पे डेवलप हो रही थी। और उसी एक पर्टिकुलर फेज़ में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जहाँ पे लिबरल ट्रेडिशन जो है वो लिबरल ट्रेडिशन एक ऐसी सिचुएशन से जा रही थी जिसमें लिमिट्स ऑफ द पॉलिटिकल पावर डिटरमाइन करने की ज़रूरत थी एंड एट द सेम टाइम जो ऑब्लिगेशन, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन और उसके लिमिटेशन या उसका एक्सटेंट कहाँ तक होना चाहिए, ये जो इशू है उनको वहाँ पे कन्फ्रंट किया जा रहा था। एट दैट पर्टिकुलर टाइम ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की फिलॉसफी जो है वो वहाँ पे फोर फ्रंट पे आती है। एंड देन विद इन दैट लिबरलिज्म वी आर आइडेंटिफाइंग द फिलोसोफर्स लाइक थॉमस हॉब, रूसो और जॉन लॉक, जिन्होंने ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है इन द दैट पर्टिकुलर लिबरल फिलॉसफी वो डेवलप की है। नाउ दिस थ्योरी बेसिकली फोकसेस ऑन द रिलेशन बिटवीन सॉवरीन एंड हिज सब्जेक्ट, जो सॉवरीन है और उसके जो सब्जेक्ट है उनमें रिलेशन क्या होना चाहिए, हाउ अथॉरिटी ऑफ रूलर कैन बी लेजिटिमाइज बाय पीपल, दैट वाज आल्सो द मेन कंसर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर फिलॉसफी, एंड फॉर दिस how the contract is required between the ruler and the ruled, that emphasize in this particular social contract philosophy. Now ये जब social contract philosophy develop होती है, ये social contract philosophy demarcate करती है general morals and political obligations expected in that particular society. So अगर political authority या government ही नहीं होगा तो वहाँ पे सोशल क्योस डेफिनेटली तैयार होगा। तो हॉब्स जो है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्टरियन माने जाते हैं, ही टर्म दिस सोशल क्योस एज अ नेचुरल कंडीशन ऑफ ह्यूमन इन विच एवरीवन इज अगेंस्ट ईच अदर। तो एक ऐसी सोसाइटी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं जहाँ पे सर्वाइवल वाज द ओनली कंसर्न ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। तो हर एक जो बंदा है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करना, इसमें बिलीव करता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट सोसाइटी जो है वो वहाँ पे कोई भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट, ऐसी कोई भी पॉलिटिकल मशीनरी रिकॉग्नाइज वहाँ पे नहीं करती है। एंड सो द सर्वाइवल वाज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। इसे हम प्री मॉरल सोसाइटी भी बोल सकते हैं या प्री सिविल सोसाइटी भी हम उसे बोल सकते हैं। तो एक ऐसा स्टेट जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइज गवर्नमेंटल एजेंसी या कोई भी गवर्नमेंट नाम की मशीनरी नहीं थी, ऐसे स्टेट में जस्टिस या अनजस्टिस, राइट या रॉन्ग, इसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। एंड सो जहाँ पे कोई भी कॉमन पावर जो है, कलेक्टिव पावर जो है, वो वहाँ पे नहीं थी। और वो क्यों नहीं थी? बिकॉज देयर वॉज नो एनी लॉ इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। और जब लॉ ही नहीं है तो वहाँ पे कोई भी इनजस्टिस या जस्टिस, उसके कोई मायने नहीं रहते हैं। नाउ इन शॉर्ट एवरीथिंग गोज़ इन प्री सिविल स्टेट। सो प्री सिविल स्टेट में
कुछ भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं था। और इसको अगर चेंज करना है तो लोगों ने क्या करना चाहिए, अपना कंसेंट देना चाहिए टू द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, एंड बाय रिनाउंसिंग देयर राइट्स ऑफ नेचर दे हैव टू रिकॉग्नाइज द वेरी लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट नाम की मशीनरी जो है उनको उन्होंने कंसेंसस से फॉर्म करना चाहिए और अपने सारे राइट जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में देने चाहिए, एंड देन इन रिटर्न द गवर्नमेंट विल बी प्रोटेक्टेड विथ देयर सिविल राइट्स, एंड जो इसेंशियल राइट्स हैं वो वहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाएंगे इन फेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी। एंड सो यहाँ पे इंडिविजुअल शुड रिनाउंस वंस राइट और देयर राइट टू द स्टेट ऑफ नेचर, एंड देन स्टेट ऑफ नेचर वंस गेट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल दे विल एबल टू एस्टैब्लिश द सिविल सोसाइटी। और इससे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इंडिविजुअल और सोसाइटी में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और इंडिविजुअल अपने जो राइट्स है उसको वहाँ पे एडजस्ट करता है विद द राइट्स ऑफ सोसाइटी। वैसे ही दूसरे ऑथर थे, दैट इज जॉन लॉक। नाउ जॉन लॉक और हॉब्स की जो फिलॉसफी है उसमें डिफरेंस है। हॉब्स के लिए जैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि द स्टेट इज़ अ ब्रूटल स्टेट, द एटमोसफियर इन दैट स्टेट वॉज नॉट ऑर्गेनाइज, इट वॉज नास्टी एंड ब्रिटिश, लेकिन जॉन लॉक एम्फसाइज करते हैं ऑन द इंडिविजुअल्स नेचुरल लिबर्टीज, एंड अकॉर्डिंग टू हिम स्टेट गवर्न नॉट बाय पॉलिटिकल अथॉरिटी बट बाय लॉ ऑफ नेचर। और इसमें जॉन लॉक जो है वो बोलते हैं कि स्टेट जो है स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी है, वेयर वन इंडिविजुअल इज इक्वल टू एवरी अदर इंडिविजुअल, एंड इन दिस एवरी इंडिविजुअल इज बेस्टोड विथ सम नेचुरल लिबर्टी, बट दीज लिबर्टीज आर वल्नरेबल, एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इम्पोजिशन ऑफ अदर्स देर इज़ अ नीड ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कलेक्टिवली रेगुलेट किया जा सकता है इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, जिसमें एक पॉलिटिकल अथॉरिटी होगा और वो पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो सबके लिए वहाँ पे काम करेगा। वेरैज रूसो करके जो ऑथर है वो इस थ्योरी को और एक्सटेंड करते हैं, एंड ही डिटरमाइन व्हाट लेजिटिमेट पॉलिटिकल अथॉरिटी लुक लाइक एंड व्हाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज यूजफुल इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। और इसमें अकॉर्डिंग टू रूसो इन द स्टेट ऑफ नेचर इंडिविजुअल्स दे आर नॉट फ्री, द कॉन्फ्लिक्ट इन मॉडर्न सोसाइटी लीड्स टू द नेसेसिटी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग अप्रोच हम देखते हैं, डिवाइन रीज़न ख़त्म हो रहा है, ह्यूमन रीज़न रिकॉग्नाइज हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, एग्रेरियन जो कल्चर है वो आउटडेटेड हो रहा है, देन डेमोग्राफिकली बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, लोग फ्यूडलिस्टिक पैटर्न से सिटी या टाउन की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे हो रहे हैं, और इसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्टिंग एटमॉस्फियर जो है वो मॉडर्न सोसाइटी में तैयार होता है। और ये कॉन्फ्लिक्टिंग एटमॉस्फियर जो है उसको अगर हमें हारमोनियसली टैकल करना है तो वहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत इसेंशियल बन जाता है। एंड सो इन द स्टेट ऑफ नेचर व्हेन पीपल बाय देयर जनरल विल कंसेंट्स टू द सॉवरीन देन ओनली इट बिकम्स अ लेजिटिमेट स्टेट। तो जहाँ पे लोग अगर गवर्नमेंट को सैंक्शन करते हैं, अपनी कंसेंट देते हैं, अपनी जनरल बिल से उसको एक्सेप्ट करते हैं, तभी वहाँ पे एक लेजिटिमेट स्टेट जो है वो तैयार हो सकता है अकॉर्डिंग टू रूसो। और इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं डेमोक्रेसी का, जिसमें डेमोक्रेसी हम अंडरस्टैंड करते हैं दैट इज़ द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, एंड थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव द स्टेट और द गवर्नमेंट इज फॉर्मिंग, एंड दैट इज द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द सब्जेक्ट। एंड इसमें भी हम एक कॉम्पैक्ट देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं जो रूल्ड एंड रूलर के बीच में वहाँ पर होता है। एंड सो इन दिस स्टेट ऑफ नेचर इंडिविजुअल ऑलवेज गेन द सिविल लिबर्टी।
और ये सिविल लिबर्टी जो है दैट कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गवर्न अकॉर्डिंग टू द जनरल विल ऑफ द पीपल। यहाँ पे ये हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो उसमें इंडिविजुअल जो है वो अपनी लिबर्टी को एडजस्ट करता है, रिनाउंस करता है, एंड इन रिटर्न वो जो बेसिक सिविल राइट्स जो है, वो बेसिक सिविल लिबर्टी जो है, वो बेसिक सिविल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है विद द जनरल विल ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। एंड दैट इज समथिंग व्हाट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लिबरल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन इन द थियरीज ऑफ जस्टिस। नाउ यहाँ पे रूसो अपनी फिलोसॉफी को एडवोकेट करते हैं, तो रूसो का जो बेसिक कंसर्न है तो बेसिक कंसर्न नेचुरली सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। एंड इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई पब्लिकली जो हम पावर को होल्ड करते हैं फॉर जस्ट पॉलिटिकल सोसाइटी, दैट इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रूसोज सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिलोसॉफी। नाउ इन दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड अ वेरी बेसिक फैक्ट दैट इंडिविजुअल्स रियलाइज सेंस ऑफ सोशल जस्टिस नॉट ओनली फॉर देमसेल्व्स बट फॉर अदर्स। तो इंडिविजुअल को ये पहले समझ में आना चाहिए कि ये जो सोशल जस्टिस है वो मुझे तो मिलना ही चाहिए, लेकिन मेरे साथ सबको वो सोशल जस्टिस जो है वो वहाँ पे मिलना चाहिए। इट ट्राइज टू मेंटेन पॉलिटिकल स्टेट इन विच इंडिविजुअल एंड सोसाइटल लिबर्टीज कैन बी प्रिजर्व। तो एक ऐसा सोसाइटी, एक ऐसी स्टेट तैयार होनी चाहिए कि जिसमें इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के जो लिबर्टीज़ हैं ये दोनों में बैलेंस होना चाहिए, ये दोनों को एडजस्ट करना चाहिए, और ऐसी सोसाइटी जो है वो वहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेट ही तैयार कर सकता है। और इसके लिए पॉलिटिकल स्टेट को रिकॉग्नाइज करना, मेंटेन करना, ये भी बहुत ज़रूरी है टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल लिबर्टी एंड टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ द सोसाइटी। रूसो एम्फसाइज करते हैं ऑन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इन स्टेट ऑफ नेचर, वेयर एज हॉब जो है ही इज हैविंग अ लेस बिलीव इन लेजिटिमेसी ऑफ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। तो रूसो और हॉब्स में यह डिफरेंस है, हॉब्स वहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन जो रूसो है डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस में बिलीव करते हैं। अकॉर्डिंग टू हॉब्स जस्टिस कैन बी रियलाइज व्हेन इंडिविजुअल सिंपली रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कवेनेंट। जैसे हम जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अंडरस्टैंड किया है कि 1950 से हमने जर्नी स्टार्ट की थी, लेकिन उसमें भी हमें समझ में आता है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट गॉट कॉन्फ्लिक्टेड विद द कलेक्टिव इंटरेस्ट। तो जब तक इंडिविजुअल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं कलेक्टिव इंटरेस्ट को, तब तक वहाँ पे सोसाइटी जो है वो एक आइडियल मैनर में, जस्ट मैनर में डेवलप नहीं हो सकती है। एंड सो अकॉर्डिंग टू हॉब्स जस्टिस जो है वो तभी रियलाइज हो सकता है जब इंडिविजुअल्स सिंपली रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कवेनेंट व्हाट दे अंडरटेकन। सो ऑल इन ऑल जहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्टरियन फिलोसॉफी विथ रेफरेंस टू लिबरल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमें समझ में आता है सोसाइटी एक जस्ट सोसाइटी, सोसाइटी विथ जस्टिस तभी बन सकती है व्हेन अ नेचुरली फ्री पीपल वॉलंटरीली कंसेंट टू बी गवर्न एंड रिस्पेक्ट द लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपहेल्ड बाय पॉलिटिकल अथॉरिटी। और इसमें हम वॉलंटरीली कंसेंट देते हैं, विथ आवर फ्री विल कंसेंट देते हैं कि हमें कोई तो पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है, जिसको हमने सेलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है, उन्होंने हमें रूल करना चाहिए, और जो भी लॉ वो पॉलिटिकल अथॉरिटी बनाएगा उसमें हम बिलीव करेंगे, उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे, एंड जो भी कॉम्पैक्ट या जो भी कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे इस मैनर में एग्जीक्यूट किए जाएंगे उसमें हम वहाँ पे अपना जो ट्रस्ट है वो वहाँ पे देंगे। दैट इज़ द वेरी नोशन ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिलोसॉफी, एंड दिस नोशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ रिमेन सेंट्रल इन टूडेज़ एरा अल्सो।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल में डिक्लेयर करता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्वेंटली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक नेशन। तो ये भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है जो लोगों ने रूलर के साथ किया है, गवर्नमेंट के साथ किया है, और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोटेक्ट द लिबर्टीज ऑफ द पीपल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस इज समथिंग व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन रिगार्ड्स विद द लिबरल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन इन रेफरेंस विद द थियरीज ऑफ जस्टिस। और ये थियरीज ऑफ जस्टिस जो है वो आज की सिचुएशन में भी, आज की लीगल सिस्टम में भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी उस टाइम पे, जहाँ पे हम 17th सेंचुरी, उस टाइम पे 17th या 18th सेंचुरी देखते हैं, तो उसमें भी वो वैसी ही रिलेवेंट थी। सो आई होप ये जो लिबरल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन, ये कंसेप्ट है, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। विद दिस आई एम स्टॉपिंग हियर विद दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। कीप वॉचिंग एंड keep sharing the contents of this channel. Thank you once again. Thank you.